फाइनली मानसून आ चुका है दिल्ली में, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब लिटरली जब मैं मॉर्निंग में सोकर उठी थी सारी सड़कें गीली पड़ी हुई थी और बालकनियाँ भी गीली थी, मज़ा आ गया। ओह माय गॉड, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रही है, फाइनली थोड़ी राहत मिली है गर्मी से, वरना गर्मी ने तो पूरा वो कर रखा था। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, पंखे में भी मतलब मज़ा आ रहा है, वरना एसी के बिना तो काम ही नहीं चल रहा था। मतलब थोड़ी बहुत देर की बारिश होती तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, लेकिन बारिश झमाझम हुई है, मज़ा ही आ गया आज तो। तो आज है मानसून वाला दिन, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाएंगे आज खाने में और ब्रेकफास्ट में, तो देखते हैं। तो गाइज आज मैंने अर्ली मॉर्निंग का वेदर आपको दिखाया था, कितना खूबसूरत वेदर हो रहा था। अभी भी फ़िलहाल सेम वैसा ही वेदर हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैंने अपने जो किचन की डोर है वो खोल रखा है, जिससे कि किचन में खाना बनाते समय मुझे ठंडी ठंडी हवा लगती रहे और खाना बनाने में भी मन लगता रहे। इतने अच्छे वेदर में एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट तो बनता है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मानसून स्पेशल ब्रेकफास्ट, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद होता है। मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा, तो देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं ब्रेड पकौड़ा। मैं ब्रेड पकौड़ा बनाते समय उसमें थोड़ी सी स्टफिंग भी रखने वाली हूँ, तो आलू ऑलरेडी फ्राई करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वो बना रखी है मैंने, पिट्ठी कहते हैं हमारे यहाँ हिंदी में, मुझे नहीं पता और लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इसका मैंने वो बनाया हुआ है मैश करके, आलू में सारे मसाले वगैरह, धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और सब कुछ डाला हुआ है। इसी के साथ इसको हम ब्रेड पकौड़े में स्टफ करेंगे और फिर बनाएंगे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े विथ टी। वेदर फिर से चेंज हो गया है, फिर से एकदम घटा आ गई है, बादल आने वाले हैं फिर से। लगता है कि मेरे ब्रेड पकौड़ा देखते ही मानसून को लगा कि मानसून जो मॉर्निंग में था वो तो था ही, लेकिन फिर से बारिश होनी चाहिए, तो दोबारा से बारिश वाला माहौल क्रिएट हो गया है और सही टाइम पर मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े, अमेजिंग, मजा आ रहा है। तो गाइस पीछे देखिए कितना सुहाना वेदर हो रहा है, बहुत तेज हवाएं भी चल रही है, मैंने बाल बांधे हुए हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा, वरना बहुत तेज हवा चल रही है इस टाइम।
कशिश अच्छे थे और डैडी को भी बहुत पसंद आए, डैडी मतलब कशिश के डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। कल मैं होम सेंटर गई थी और मैंने कुछ सामान परचेज किया था अपने घर के लिए, कुछ तो आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर भी देख सकते हैं कि मैट वगैरह, ये सेंटर के लिए मैट खरीदा था, ये खरीदा है मैंने, जिसमें आप पानी भर के यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें शरबत भर सकते हैं, जो दिल में आए वो भर सकते हैं। तो ये बहुत क्यूट सा लगा था, या फिर आप इसे एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बस ऐसे रख के छोड़ दीजिए तो एज अ डेकोरेशन भी ये यूज़ हो सकता है। और भी मैंने कुछ सामान खरीदे थे होम सेंटर से और होम सेंटर का टूर भी दिया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो चेक नहीं करी है तो आप जाकर ज़रूर चेक करिएगा। उसमें होम सेंटर का हॉल एंड टूर दोनों मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो थोड़ी बहुत देर में मैं स्टार्ट करूँगी आफ्टरनून की कुकिंग, और आफ्टरनून की कुकिंग यानी कि लंच में कुछ स्पेशल कुक करने वाली हूँ, डिफरेंट है। वैसे ये उड़ीसा की डिश है जो मैंने बैंगलोर में जब मैं रहती थी तब मैंने सीखी थी अपने किसी उड़िया फ्रेंड से, जिसका नाम है दही बैंगन। तो मैं दही बैंगन बनाने वाली हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है। हालांकि कशिश का मतलब ओके है, लेकिन प्रशांत को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं हमेशा उनके पीछे से ही दही बैंगन वगैरह इस टाइप की सब्जियां बनाती हूँ जो कि हम लोग इन्जॉय कर सकें, स्पेशली मैं इन्जॉय कर सकूँ, क्योंकि मैं सबके लिए उनके फेवरेट खाना बनाती हूँ, लेकिन जब मेरी बात आती है खुद की तो मैं स्किप कर जाती हूँ। लेकिन कभी कभी एक ऐसा दिन भी होना चाहिए जिसमें आप अपनी पसंद का खाना बनाएं, आप ज़रूर ऐसा ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं अपना फेवरेट, खुद का मेरा पर्सनल फेवरेट फूड बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ व्लॉग्स में, वो है दही बैंगन। मैं 4 साल बैंगलोर रह चुकी हूँ, शायद आप में से कितने लोगों को पता है मुझे नहीं मालूम। मेरी जो जर्नी है ना, लाइफ की जर्नी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घुमावदार है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग जो करी थी वो दिल्ली से करी थी। मैं दिल्ली में दो साल मुश्किल से रही होंगी, एंड देन उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। बैंगलोर में मैंने अपनी लाइफ के 4 ईयर्स गुजारे हैं, एंड देन बैंगलोर से वापस आकर फिर मैं 3 ईयर्स के लिए दिल्ली में ही थी, एंड दिल्ली में 3 ईयर्स रहने के बाद मैं कहते हैं 5 ईयर्स के लिए US में चली गई थी, आपको पता ही है। और 5 ईयर्स US में बिताने के बाद मैं वापस से इंडिया शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी तो अगस्त नहीं आया है, अगस्त एंड में मुझे यहाँ पर भी 1 ईयर हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि मैं लास्ट ईयर अगस्त में आई थी, अगस्त के एंड में, और अभी अगस्त नहीं आया, अभी तो जुलाई भी नहीं आई है, जून एंड चल रहा है, तो अभी 1.5 महीना है मुझे पूरा 1 साल कम्प्लीट करने में दिल्ली। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक जगह मैं कभी टिकी नहीं हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स और मतलब मेरी फैमिली मुझे जानती है कि रीमा जो है वो 3 साल से ज़्यादा कहीं में नहीं टिकती, मतलब 3 साल और मैक्सिमम 4 साल में एक जगह टिकती हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या वो मुहूर्त निकलता है और मैं शिफ्ट हो जाती हूँ दूसरी जगह। तो जब भी कुछ घर सजाने की बात आती है या मतलब डेकोरेशन की बात आती है या फिर मतलब सेटल होने की बात आती है, तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि यार मैं यहाँ पे सेटल हो गई और उसके बाद मुझे ये जगह चेंज करनी पड़ी, तो मतलब कितना ज़्यादा दुख होगा ना मुझे कि सारा सामान छोड़ के जाओ, पैक करो। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रहे हो तो ईजी हो जाता है कि आप अपना मूवर्स पैकर्स बुलाइए, सामान पैक करिए और जाकर शिफ्ट हो जाइए दूसरी जगह पर, 3-4 दिन में आपको सामान मिल जाता है। लेकिन आप कंट्री ही छोड़ रहे हो तब तो आपको सारा सामान पैक करना पड़ता है। तो ऐसा मेरे साथ जब हुआ था, जब मैं दिल्ली छोड़कर US शिफ्ट हो रही थी, मुझे सारा सामान, अपना सारा सामान पैक करके अपने पापा के घर पर रखना पड़ा। और जब पापा के घर पर रखने के बाद, वो फाइव ईयर्स से भी ज़्यादा मैं थोड़ा रही हूँ, तो जब मैं वहाँ पर रही उतने दिन वो सामान ऐसे ही बंद पड़ा रहा, और जब मैं वापस जब इंडिया लौटी तो मैंने देखा मेरा सारा सामान जो है उसमें से बहुत सारा सामान खराब हो चुका था। तो लिटरली मैंने सामान उठा उठा कर ऐसे फेंका डस्टबिन में, मतलब मुझे लगता है कि मेरी जो क्रॉकरी है, जो मेरी कांच वाली क्रॉकरी है, स्टील की जो मेरे बर्तन है, वो तो बस सेफ थे, बाकी मेरे बेड, मेरा सोफ़ा, वॉशिंग मशीन मेरी सही निकली, मेरा फ्रीज भी सही निकला, लेकिन मेरा सोफ़ा और मेरा बेड जो थे वो सब खराब हो चुके थे। लिटरली मतलब उन्हें यूज़ करने का मन भी नहीं था, इतना थोड़ा बहुत तो वो ख़राब हो गए थे। थोड़ा बहुत ये भी था कि नए घर में शिफ्ट होंगे तो नया फर्नीचर खरीदेंगे, तो मतलब इन सब में कितना खर्चा भी हो जाता है, आपको बताइए कि जब भी आप कुछ भी सामान घर के लिए लाते हो तो कितना महंगा पड़ता है। तो मतलब दिल सा ना ख़राब हो जाता है, फिर कभी लगता है कि घर को इतनी मुश्किल से, इतने प्यार से हम लोग सजाते हैं, जगह जगह से सामान खरीद के लाते हैं, और कहीं और शिफ्ट होना पड़ जाए तो पता चलता है कि सारा सामान को पैक करो एंड देन मूव हो जाओ, तब थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैं कभी कभी ना
इसलिए चीज़ें छोड़ देती हूँ, जैसे मुझे अपनी किचन बनवानी है, मेरी किचन अभी बनी हुई नहीं है, आपने देखा है कि मेरा जो किचन है बस काम चला हुआ है, तो मुझे किचन को पूरा मॉड्यूलर किचन में कहते हैं मॉड्यूलर किचन में बदलवाना है, लेकिन मैं यही सोच के डर रही हूँ कि अगर मैंने किचन में खर्चा किया और उसके बाद मैं कहीं और शिफ्ट हो गई तो मतलब गए ना पैसे पानी में, वो वाली बात हो जाएगी, क्योंकि किचन बनवाने में ना कम से कम आपके 1.5 से 2 लाख तो लगते ही लगते हैं छोटी से छोटी किचन बनवाने में, ये ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है तो इसमें मैं मैक्सिमम लग जाएंगे 2 से 2.5 लाख, 1.5-2 लाख में आई थिंक बन जाएगी, मुझे इतना पूरा आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर लकड़ी वगैरह यूज़ करते हो और मॉड्यूलर किचन बनवाते हो तो 1.5 से 2 लाख लग जाते हैं, तो मैं वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए कि मैं इस टाइम यहाँ पर रह रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छी सी किचन चाहिए, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैंने किचन बनवाई और 2-3 साल बाद मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई, चाहे मैं इंडिया में शिफ्ट हो गई या बाहर शिफ्ट हो गई, तो फिर मतलब क्या होगा, तो मुझे इस वजह से मुझे कभी कभी खर्चा करते समय थोड़ा सा हिचक भी होती है, फिर भी मन तो मन है, जब कभी मार्केट निकलती हूँ या कहीं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, तो खुद का मन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ ना कुछ एक आध सामान घर के लिए ले ही आती हूँ, यही हाल है मेरा। आई होप अगर आप लोगों ने कभी शिफ्टिंग करी होगी आप मुझे रिलेट कर पा रहे होगे अपने आप से, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो होम टूर देखना चाहते हैं, मुझे आए दिन जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिक्वेस्ट आई है ब्लॉग्स पे वो हमेशा यही आते हैं कि प्लीज़ आप अपना होम टूर दीजिए, मैं भी होम टूर देना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं समहाउ मैं अभी वो कम्फर्टेबलनेस महसूस नहीं कर पा रही होम टूर देने के लिए, हालांकि आप मेरे ब्लॉग्स में मेरा घर देखते ही रहते हैं, मतलब आपने कोई ऐसा एरिया होगा जो देखा नहीं होगा, मतलब घर ऑलमोस्ट आपने देखा हुआ है, लेकिन होम टूर की जब बात आती है तो आप डिटेल में चीज़ों को बताते हो कि ये मैंने यहाँ से लिया था, वो मैंने वहाँ से लिया था, ये मुझे इतना प्यारा है, ये मेरा इतने साल पुराना है, तो अभी पता नहीं वो फीलिंग मेरे अंदर आ नहीं रही है कि मैं होम टूर शेयर करूं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करूं, लेकिन कब करूंगी ये पक्का नहीं है, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको, कब मिलेगा ये मैं फिक्स नहीं बता सकती। बाय द वे आज मैं वेदर बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मतलब पंखे के नीचे बैठकर भी इतना मज़ा आ रहा है ना, हालांकि आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, लेकिन प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि गर्मी में फ़ैन तो नहीं बंद किया जा सकता, खासतौर से जब बारिश वाला मौसम होता है ना तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा फ़ैन चलना ज़रूरी हो जाता है। फ़िलहाल वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा है, मतलब जब से सुबह से उठी हूँ ना सोकर, दो बार बोल दिया, जब से सुबह से सोकर उठी हूँ ना तब से मैं बाहर ही देखे जा रही हूँ बालकनी में कि कितना प्यारा वेदर हो रहा है, और जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना उसके जस्ट सामने कहते हैं मेरे किचन का डोर जाता है, तो किचन के डोर से मतलब क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, क्योंकि मेरा जो मेन डोर है वो उधर की तरफ रहता है, तो वो क्रॉस वेंटिलेशन काइंड ऑफ हवा चल रही है, प्लस मैंने अपने बेडरूम की भी बालकनी की जो डोर है वो खोले हुए हैं, तो चारों तरफ से ना घर पूरा एयर ही हो रहा है, मज़ा आ रहा है इस सेंटर प्लेस पे बैठ के, मन कर रहा है घंटों यहाँ बैठी रहूँ, तो अब सोच रही हूँ यहीं पर एडिटिंग भी कर लेती हूँ बैठ कर। तो अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कुकिंग, क्योंकि लंच को वरना लेट हो जाएगा, अभी ऑलरेडी मैंने जो राइस है वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, तो यहाँ पर मेरे राइस बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर मैं कुक करूँगी दही बैगन, तो आपके साथ शेयर करूँगी। दही बैगन के साथ बिरयानी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं आज तवा पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि बिरयानी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और तवा पुलाव जो है वो क्विक रेडी भी हो जाता है। तवा पुलाव की रेसिपी पहले मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर करी थी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी, और जो दही बैगन है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ दही बैगन। चावल यहाँ पर कुक हो गए लगभग। तवा पुलाव जो है वो एक बॉम्बे की डिश है, यानी कि मुंबई की, और दही बैगन है अपने उड़ीसा के, तो उड़ीसा और मुंबई दोनों आज मिक्स होने वाले हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है दोनों का कॉम्बिनेशन। Thank you.
से ऐसे गल नहीं जाते, तो ब्राउनी रेड कलर का हमें फ्राई कर लेना है इनको अच्छे से। बालकनी में बैठी हुई हूँ, तो आप देख सकते हो कि बालकनी में मैंने अपने प्लांट उस वाली बालकनी से इस वाली बालकनी में ट्रांसफ़र कर लिए। एक्चुअली जब गर्मी ज़्यादा थी तो इस बालकनी में जो है काफ़ी तेज़ धूप आती थी, जिसकी वजह से मुझे डर लगता था कि प्लांट्स जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने उनको शिफ्ट कर दिया था उधर की तरफ, कशिश वाली बालकनी की तरफ, क्योंकि कशिश की बालकनी में सबसे कम धूप आती है, तो वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस था समर में। लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो मैंने वापस से इसको इसी बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। और पीछे वो टेलीस्कोप रखा हुआ है जो कि संडे में हम लोगों ने निकाल कर मून देखा था, अगर आपने मेरा संडे वाला ब्लॉग देखा है तो आपको मालूम ही होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बैठी हुई थी,
हाँ, लंच में आज जो मैंने तवा पुलाव बनाया था वो बहुत ही यमी बना था, लेकिन समहाउ जो दही बैगन था उसका टेस्ट उतना ऑथेंटिक और उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया, मुझसे एक कमी हो गई। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम बाद दही बैगन बनाया था तो उसकी थोड़ी सी रेसिपी में मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने दही डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, जिसकी वजह से ना मतलब वो मज़ा नहीं आया, बहुत ही लिक्विडी काइंड ऑफ बन गया था। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा दही अलग से फैट के फिर दोबारा उसमें मिलाया, तब जाकर उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मतलब वैसी हुई जैसी मैं चाहती थी, मेरी डिज़ायर कंसिस्टेंसी वाला दही बैगन बन पाया। लेकिन फिर भी ना, जब कुछ चीज़ मतलब बिगड़ जाए और फिर उसको सही करो तो वो वाला टेस्ट नहीं रहता उसमें जो कि पहली बार बनने में आता है। तो सच बोलूँ तो इतना अच्छा, इतना यमी नहीं बना था, ठीक ठीक बना था, लेकिन जो तवा पुलाव था वो डिलीशियस बना था। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखकर दही बैगन बनाने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी एक दो लोगों की और रेसिपी चेक कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक कमी लगी है, बाकी सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने जो उसमें पानी डाल दिया ना दही में, पहले तो मैंने दही डाला है ना, उसके बाद मैं हल्का सा पानी ऐड किया था। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो वो पानी डाला था वो एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि ये प्योर दही वाला फ्लेवर इसमें आना चाहिए, पानी कुछ भी ऐड नहीं होता है, और यही चीज़ मैं मिस कर गई, जिसकी वजह से वो ऑथेंटिक टेस्ट भी चला गया उसका। हालांकि मैंने बाद में मिक्स करने की कोशिश करी और दही लेकर आई एंड देन उसमें मिक्स किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो मैं चाहती थी। अभी मैं अपनी चाय बना रही थी तो बस उसको डिप कर रही थी टी बैग को, इसके अंदर काफ़ी गर्म हो रहा है। आज मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो गर्मी है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की पड़ रही है, मतलब मैं क्या बताऊँ, थोड़ा स्टिकीनेस लग रही है बॉडी में, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर भले ही कम हो गया है लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। आज मैं नोटिस कर रही थी मेरे रूम में जो मैंने वॉच लगा रखी है उसका जो ह्यूमिडिटी थी वो ऐसे ही चली गई थी 75, और मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि वो 45 तक रहनी चाहिए, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी हो गई है बारिश होने की वजह से। लेकिन जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल, मतलब लेकिन जो टेम्परेचर है वो ठीक है, आई मीन टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी है, कल मॉर्निंग में से क्लीन करूँगी, मतलब बालकनी कितनी भी क्लीन करो फिर भी पता नहीं आंधी आती है और फिर दोबारा से वही हाल करके चली जाती है। तो खाना खाने के एक या दो घंटे बाद ग्रीन टी पीने से काफ़ी अच्छा रहता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ता नहीं है और आपको स्लिम रखने में ये हेल्प करता है। तो आप में से कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं मॉर्निंग में क्या स्किन केयर फॉलो करती हूँ, तो ऐसे तो मैं कोई भी स्किन केयर मॉर्निंग में फॉलो नहीं करती, हमेशा मैं जो नाइट में स्किन केयर करती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है वही इनफ होता है कि मॉर्निंग में मुझे कोई भी स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लास्ट 2 to 3 days से मैं एक क्रीम यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र, जो कि है रूप मंत्रा की, और ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है, कोई कॉस्मेटिक नहीं, ऐसा प्रीति जेंटा अपने ऐड में बोलती है, आपने सुना ही होगा। काफ़ी पुरानी क्रीम है, काफ़ी दिनों से आप इसका ऐड देखते आ रहे होंगे टीवी पर, तो मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। तो मैं 2 to 3 days से यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र, मैं ही नहीं प्रशांत भी इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी यूज़ कर सकता है, घर में कोई भी मेंबर यूज़ कर सकता है। क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है कि फॉर एंटायर फैमिली, और इसके आपको केवल वीक में 3 बार इसे यूज़ करना है और इसके रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी दिखाई देने लगेंगे, आपकी स्किन जो है वो स्मूथ लगने लगेगी। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि आपकी स्किन स्मूथ टेक्सचर लगेगा आपको अपनी स्किन का। तो जब स्किन अच्छी होती है ना, तो जब आप उसके ऊपर मेकअप करते हो तो मेकअप भी उतना ही खिलकर आता है। तो मेन बात क्या होनी चाहिए कि आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए, जिससे कि जब आप उसके ऊपर कोई मेकअप भी लगाएं तो वो भी बिल्कुल स्मूथ फिनिश के साथ आए और खूबसूरत लगे। तो ये जो क्रीम है इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट 93 rupees है, बहुत ही चीप और मतलब पॉकेट फ्रेंडली क्रीम है, जो कि इतने कम दामों में मिल रही है मार्केट में, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है।
तो मतलब हमें डरना नहीं है कि कोई कॉस्मेटिक ना हो, हमारे चेहरे को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आपको कॉस्मेटिक यूज़ करना पसंद नहीं है तो आपके लिए ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, एक बार आप इसको ट्राई ले सकते हैं। इसी के साथ एक रूप मंत्रा का ये ज़ीरो पिंपल जेल, यहाँ पर कुछ दिन पहले, एक वीक पहले की बात है, यहाँ पर मेरे एक छोटा सा पिंपल निकला था, एक वीक पहले की या 4-5 डेज पहले की बात है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल निकला था जिस पर मैंने रात में ये लगाया था। मैं वो उसकी क्लिप इसी के साथ यहाँ पर ऐड कर दूँगी तो आप देख लेना। तो वो मेरे यहाँ पर निकला हुआ था गाइस, 2 दिन से मुझे ये पिंपल छोटा सा यहाँ पर निकला है। तो मैंने इसे 1 टाइम और 2 टाइम मुश्किल से लगाया होगा, एक बार नाइट में और एक बार मॉर्निंग में लगाया था, और मेरा जो पिंपल है वो अपने आप ही दब गया। मतलब अच्छा लगा मुझे, ये चीज़ पसंद आई कि हमेशा जब भी कोई पिंपल बाहर निकलता है तो हम हमेशा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि यार चेहरे पर पिंपल आ गया, आप घर से कैसे बाहर निकलेंगे, इसको छिपाना पड़ेगा, मतलब चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो जेल है अच्छे से वर्क करा मेरे पिंपल पर। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों पर कितना वर्क करेगा, लेकिन अगेन ये एक आयुर्वेदिक जेल है जिसमें टोटल मेडिकेटेड तरीके से ये बनाया गया है, तो इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो गाइस मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कर दीजिएगा लाइक, और आप मेरे व्लॉग को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आप इसके साथ नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे कि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पर वो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर इजीली पहुँच जाएँ। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।